आज किस वीडियो में हम बात करेंगे, कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जन सेवा केंद्र के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें और जन सेवा केंद्र में हमें राशन कार्ड की सर्विस कैसे मिलेगी और राशन कार्ड हम कैसे अप्लाई करा पाएंगे और एक अच्छा राशन कार्ड कैसे बनवाएंगे। सो कई सारे लोगों के कमेंट यही आ रहे थे तो हमने सोचा आज इस टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। हालांकि हमने पिछली अपनी कई वीडियोस में ये बताया हुआ है कि राशन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं और एक जनसेवा केंद्र लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है और कैसे मिलता है, कितना पैसा लगता है, सो पूरी प्रोसेस हमने बताया था। बट अभी भी कुछ लोगों का डाउट है कि एक बार फिर से आप हमें बताइए इसके बारे में कि राशन कार्ड कैसे अप्लाई होता है और उसकी आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा और जनसेवा केंद्र की आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा। सो चलिए यहाँ पर हम पहले आपको थोड़ा सा प्रोसेस जनसेवा केंद्र के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम आपको ले चलते हैं राशन कार्ड की सर्विस पर। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमने जो भी सहज का पोर्टल है उसे ओपन कर रखा है। यहाँ पर सहज मित्रा रजिस्ट्रेशन है जो कि उत्तर प्रदेश के लिए है, यूपी के लिए है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको सहज मिलता है। अपने अलग अलग स्टेट में जो है ये अलग अलग सर्विसें होती हैं, अलग अलग टेंडर होते हैं। हालांकि सर्विस सेम होती हैं लेकिन जो है जो सहज के टेंडर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई सी एस एस चलाता है और कोई सहज चलाता है तो कोई और भी कई सारे नाम है जो इस वक्त हमें याद नहीं है। बट यहाँ पर जो होता है सर्विस सेम होती है और आप एक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है पेमेंट का और जो है रजिस्ट्रेशन का। तो चलिए अगर आप यूपी से हैं तो आप इस तरीके से जो है सहज रजिस्ट्रेशन डालेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो यहाँ पर जैसे ओपन कर लेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन खुलेगा जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल डालनी होती है, प्राइमरी डिटेल देनी होती है और एड्रेस और बैंक डिटेल्स और रेफरेंस नंबर और अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है या अगर आप बिजनेस जो है कर रहे हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे तो आप यहाँ पर सहज मित्रा को सेलेक्ट करेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम सहज के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर सहज मित्रा सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आप किस एरिया में लेना चाहते हैं, शहरी या ग्रामीण। तो अगर आप शहरी एरिया में लेना चाहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ग्रामीण एरिया में लेना चाहते हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। सो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना टाइटल सेलेक्ट करना है जो भी है, उसके बाद में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम। सो यहाँ पर चलिए हम एक फर्स्ट नेम डाल देते हैं और मिडिल नेम डाल देते हैं। चलिए मिडिल नेम हमारा कोई नहीं, हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दिया। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सो यहाँ पर चलिए हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद में आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना होता है। हमने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लिया है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होता है, जो भी है शादीशुदा है या सिंगल है। उसके बाद में आपको अपनी नेशनलिटी चुननी होती है, इंडियन है या नॉन इंडियन है। उसके बाद में आपको एक ईमेल आईडी देनी होती है और एक मोबाइल नंबर देना होता है। सो जैसे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालेंगे वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। सो चलिए यहाँ पर हम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ पा रही है कुछ कारण से, पता नहीं क्या कारण है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे हैं बट अभी तक कोई ओटीपी नहीं गया था तो इसलिए हमने सोचा अब आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा। इस वीडियो में हम जो है प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते अभी। सो आशा करेंगे कि अपनी पिछली वीडियो में जो हम बनाए हैं उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर जो है एक वीडियोज हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसी टॉपिक पर पूरा, अप्लाई से लेके आईडी पासवर्ड तक, तो आपको उसमें हम बता देंगे। सो वो जल्द ही आपको मिल जाएगी। सो यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल देंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आपको ईमेल आईडी डालना है, वेरीफाई करना है, ओटीपी जाएगा आपकी ईमेल पे, आप उसे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में आपको अपने गार्जियंस की डिटेल डालनी है यानी अपने फादर की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर
कर देनी है और यहाँ पर रिलेशन आपको फादर ले लेना है, उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो उसके बाद में आपके सामने बैंक डिटेल्स ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी होगी। सो जैसे ही बैंक डिटेल्स आप डालेंगे फिर आपको रेफरेंस में आपको क्या करते हैं वो सारा प्रोसेस बताना होगा। उसके बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड, फोटो और बैंक कॉपी। इस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल नॉर्मल डिटेल्स होती है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मांगी जाती है। सो इसको जैसे ही आप डाल के सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके कुछ दिन बाद, एक वीक या जो है दो चार दिन बाद, आपको जो सहज के अधिकारी उनकी तरफ से कॉल आएगा। सो वो आपसे डिटेल्स पूछेंगे और आपसे कुछ चार्ज मांगेंगे, जो कि मान लीजिए अगर आप ग्रामीण एरिया में हैं तो आपका चार्ज तकरीबन 10,000 से 12,000 के आसपास तक हो सकता है। अगर आप शहरी एरिया से हैं तो आपका 14,000 से 15,000 के बीच तक हो सकता है, कहीं कहीं तो 20,000 रुपये तक हो जाता है और कहीं कहीं तो हो सकता है कि 8-9 हज़ार में ही हो जाता हो। सो वो आपकी एरिया के अकॉर्डिंग हो सकता है, किस तरीके से आपकी एरिया है, किस तरीके से आपका जो है लोकेशन है, उस तरीके से आपको चार्ज पे करना होता है। सो ये तो सहज का रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो राशन कार्ड की सर्विस आपको कैसे मिलेगी। तो राशन कार्ड की सर्विस लेने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट आईडी लेना पड़ता है जिसमें आपको राशन कार्ड की सर्विस मिल जाती है। सो अगर आप चाहते हैं कि जो है राशन कार्ड बनाने की ही सिर्फ आईडी मिले तो यहाँ पर अभी राशन कार्ड बनाने की सिर्फ आईडी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो है जो भी आईडी इस वक्त मिल रही है वो डिस्ट्रिक्ट के ही माध्यम से मिलती है। तो आप अगर चाहते हैं तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट जिसके पास है उससे आप राशन कार्ड बनाने के लिए आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। कुछ बहुत चार्ज वो आपसे लेगा तो वो आपको आईडी पासवर्ड देगा जिससे कि आप अपना जो है राशन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे और जो है अपना काम कर पाएंगे। सो यहाँ पर राशन कार्ड अप्लाई में आपको नया राशन कार्ड संशोधन और अगर राशन कार्ड में आधार नहीं सीड है तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, इसके बारे में हमने बात कर ली है तो इसके ऊपर हम क्या आपको बताएं, इसको पहले ही बता दिया है। सो यहाँ पर देख पाएंगे नए राशन कार्ड को आप बना सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, सारा कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो अगर आप लेना चाहते हैं, राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आप जो है किसी भी नज़दीक अपने जनसेवा केंद्र पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, ले सकते हैं। या फिर आप अगर खुद का लेना चाहते हैं तो आप खुद जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या फिर अगर आप आसपास के हैं हमारे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको जो भी हमसे हो सकेगा वो हम आपको करवा देंगे। सो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चार्ज पे करना होगा। और अगर आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड बनवा के दिया जाए, राशन कार्ड अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप कोई शॉप चला रहे हैं, आप कोई भी ऑनलाइन शॉप चला रहे हैं, आपके पास राशन कार्ड अप्लाई करने का सुविधा नहीं है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपका राशन कार्ड अप्लाई करा देंगे बिल्कुल कम चार्ज में और आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा, हमारा भी प्रॉफिट हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं राशन कार्ड बनवाने का काम स्टार्ट करना, राशन कार्ड का काम स्टार्ट करना, तो एक बार हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताया है, सो लेकिन फिर भी आप लोगों के जो क्वेश्चन थे उसी क्वेश्चन के ऊपर हमने जो है ये वीडियो दी है। सो अगर आप लोगों को कंप्लीट वीडियो चाहिए जनसेवा केंद्र से लेकर उसकी आईडी कैसे मिलती है, तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में जाके हम तो आपके कमेंट को अगर आ जाएंगे हमारे पास तो आपके आंसर ज़रूर मिल जाएंगे कैसे आपको करना है। सो यहाँ पर नॉर्मल भी हम आपको बता दें कि जनसेवा आईडी आप जो है खुद से भी रजिस्ट्रेशन करके प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही अगर आपका कोई भी नज़दीक ऑफिस है जनसेवा केंद्र का, सहज का, तो आप जाके डायरेक्टली वहां पर बात करके अपना जो है राशन कार्ड जो है डिस्ट्रिक्ट आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।